आरपीएससी बंक करने की मैंने मांग करी थी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को रोकने का प्रयास किया और दुर्भाग्य देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही वादा किया था। जब पेपर लीक की घटनाएं बढ़ी और 20 से ज्यादा मामले पेपर लीक के राजस्थान में 20 से ज्यादा FIR रजिस्टर्ड हुई और कटारा जेल के अंदर है अभी भी। आरपीएससी की जो वेबसाइट है उसमें कटारा का मेंबर के ऊपर नाम आ रहा। बार बार सरकार यही कह रही है कि आरपीएससी संवैधानिक संस्था है। कितनी बड़ी संवैधानिक संस्था हो, जब डीजी को बुला के आप हटा सकते हो, सारे बोर्ड निगम एक आदेश में भंग कर सकते हो। और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सरकार में आते ही सबसे पहले हम आरपीएससी को भंग करेंगे। आरपीएससी के अंदर जितने भी सदस्य है, चेयरमैन, वो कौन आप जानते हो, किसके करीबी हैं? और पहले जो आरपीएससी के मेंबर चेयरमैन थे उनके हमने पहले भी विधानसभा के अंदर मामला उठाया था, उन सबकी जांच की जाए। सेकंड ग्रेड वाला जो BA पास करता है वो RS टॉप कर लेता है, सब इंस्पेक्टर के जो भर्ती थी, ये तमाम जो घटनाएं, मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आपने समय समय पर जागरूकता इस मामले को उठाया। आरपीएससी जो पूरे देश में बदनाम हो गई, हमने ये मांग करी इसको भंग किया जाए। राज्यपाल इनकार, राष्ट्रपति इनकार, प्रधानमंत्री इनकार, मैंने राज्यपाल का अभिभाषण रोकने का प्रयास किया, आरपीएससी को भंग करें और UPSC की तर्ज पे आरपीएससी मेंबर की नियुक्तियां हो, ताकि पारदर्शिता जो एक राजस्थान की इज्जत थी, आरपीएससी पे भरोसा लोगों का था, वो उठ गया वापस किसी न किसी तरह भरोसे जमे। और राज्यपाल मोदी ने जाते जाते मुझे ये भी कहा कि मैं आपका काम करूंगा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा, उन्होंने जो भी कहा। और उनके इशारे से मुझे लगा कि निश्चित रूप से आरपीएससी भंग होगी, नहीं होगी तो सदन चल रहा है, हम फिर इस मामले को 23 तारीख को 24 को जब भी होगा राज्यपाल का अभिभाषण पर बोलते समय स्थगन के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आरपीएससी को भंग करा के राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन युवाओं और किसानों के हितों के लिए हुआ, उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होने थे। ऐसा है कि उस समय लोगों की राय थी, मेरी कोई मुझे दिल्ली जाने का शौक नहीं था कि हमारे वहाँ पे जो ठग लंबे समय से सांसद बनते आ रहे थे, 2-3 परिवार लगातार नागौर को गुमराह कर रहे थे राजस्थान के राज्य, उनको हराना था। लोगों की इच्छा थी कि बीजेपी से गठबंधन करो, तो कांग्रेस पार्टी भी तैयार थी गठबंधन के लिए। मैंने गठबंधन किया मेरी शर्तों पे और तीनों कृषि बिल जब आए वो किसानों के खिलाफ था, तो मैंने NDA छोड़ी, सत्ता छोड़ी और किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर कोई देश का सांसद बैठा तो हाईवे जाम करके तो मैं ही बैठा था। और अग्निपथ का भी विरोध किया, चाहे पहलवान का मामला हो, प्रदेश के अंदर जितने भी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, प्रदेश के जो भ्रष्टाचार के मामले, दलित अत्याचारों के मामले होते, पेपर लीक की घटना हो, उन सबको लोकसभा तक में लेके गया था। इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे इस बार? देखिए अभी कोई हमने तय नहीं किया, एक बार चुनाव के बाद पूरी RLP पार्टी की हम एक मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, लोगों की राय जानेंगे कि हमें आगे के लिए क्या करना, उसके बाद ही निर्णय करेंगे। अब कोशिश तो करेंगे, मैं पहले भी लड़ा था, 14 में भी लड़ा, उन्हें लगे मैं चाहूंगा कि मैं लड़ूं तो जीतने के लिए लड़ूं, उसका बात जिले में एक बार सब लोगों से बात करेंगे। बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का।